अब थोड़ा सा कंपाउंडिंग टेस्ट को इसको पढ़ाएंगे नहीं, कंपाउंडिंग टेस्ट पढ़ाएंगे नहीं, नहीं जब सेमेस्टर जैसे खत्म होगा तब इसको इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कंपाउंडिंग टेस्ट को क्या होता। जैसे बाबू बैंक गया, ठीक, अब बैंक गया बाबू तो बैंक से आपने क्या लिया बाबू, 500 रुपया कर्जा ले लिया। बैंक से क्या बाबू, 500 रुपया कर्जा ले लिया, ठीक है ना। तो बैंक के मैनेजर फ्री में थोड़ी देगा बाबू, वो कहेगा बाबू कि हम 5% पर एनम लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या लेंगे, 500 रुपया हम तो कर्जा दे रहे हैं, 500 रुपया आपको हम कर्जा दे रहे हैं ना, कर्जा दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो कह रहा बाबू 5% क्या होगा, पर एनम के हिसाब से हम लोग क्या देंगे, कर्जा देंगे, है ना बाबू, कर्जा देंगे, ठीक ठीक सर, इतना तो बात समझ में आता है ना, चलो अच्छी बात है। तो 5% अगर कर्जा देंगे बाबू, कह रहा कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि बाबू 100 रुपया पे आपको 5 रुपया हम लोग ज्यादा लेंगे, बात समझो। 5% जब भी है बाबू, जब भी कहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% 10% है ना बाबू, 20% 15% कहता, मतलब वो 100 रुपया पे कैलकुलेट होगा। 100 रुपया उसको बाबू, 100 रुपया उससे कर्जा लोगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, मान लो 5% है तो आपको कितना, 5 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, 105 रुपया पेड करना पड़ेगा, ठीक। मान लो किसी से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रहा, 10% कर रहा, तो 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू ऑलवेज, अभी अभी इसको डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी डिफाइन करेंगे 100 रुपया पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी होता है वो 100 रुपया पे होता है। पर कोई कह रहा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो पर ईयर है, एक साल का है, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, इसका कहने का मतलब क्या, वो एक साल जब खत्म होगा, ठीक है ना, तो 100 रुपया पे बाबू, 100 रुपया पे, 100 रुपया पे आपको 10 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, 100 रुपया पे 100, मैंने 100 रुपया पे 10 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। अगर 100 रुपया उससे कर्जा लिया बाबू, तो एक साल के अंत में आपको कितना पेड करना पड़ेगा, 110 रुपया पेड करना पड़ेगा, तो 2 साल के अंत में 220 रुपया पेड करना पड़ेगा, है ना, 120 रुपया पेड करना पड़ेगा, ठीक ठीक है सर, ऐसे तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बाबू, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सर, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा कैसे आपको समझा बाबू, है ना। देखो तो इसमें बाबू अब क्या होगा, जैसे मान लो आपने बैंक में जमा किया, बैंक में मान लो कर्जा लिया, चाहे जमा किया पैसा, तो मान लो पैसा को आपने जमा कर रहे हो, इसको समझो जमा से समझो, है ना, डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक में गए बाबू और डिपॉजिट किया, ठीक है। जब डिपॉजिट किया बाबू, डिपॉजिट किया 500 रुपया, तो बैंक वाले बोला कि हम आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पैसा लोगे तो वो क्या करेगा, आपसे ज्यादा लेगा। और जब बैंक में जमा करोगे, जमा करोगे तो देखता नहीं हो कि 5% 7% क्या होता है कि आपको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, ठीक है ना। मतलब बैंक में जब पैसे जमा किए बाबू, तो वो बोला कि 5% हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, बैंक वाला, है ना, ठीक है। तो एक साल के अंत में हमको कितना बैंक में मेरा खाता हो जाएगा, मेरे बैंक के अकाउंट में पासबुक में कितना पैसा होगा, कौन बताएगा। 5% बाबू, 500 रुपया हम बैंक में जाके जमा किए, बैंक वाला बोला 5% हम इंटरेस्ट आपको देंगे, पैसा हम बैंक को दे रहे हैं, तो कभी कभी पैसा बैंक को जरूरत भी पड़ता है, तो पैसा हम बैंक को दे दिए 500 रुपया, ठीक है ना। और वो बोला क्या, आपने क्या किया, बैंक को जमा किया, तो पैसा जब जमा किया बाबू, तो वो बोला कि हम आपको पैसा मेरे पास हमको दे रहे हो, तो बोला 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देंगे, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, बात समझो। तो एक साल के अंत में बाबू 5% बोला, तो 100 रुपया में वो हमको कितना करेगा, 5 रुपया ज्यादा देगा, 100 रुपया में हमको वो कितना ज्यादा देगा सर, 5 रुपया ज्यादा देगा, तो 500 रुपया में हमको वह कितना बैंक ज्यादा देगा सर, तो 100 रुपया में 5 रुपया ज्यादा, तो 1 रुपया में पहले निकाल लेते यूनिटरी मेथड से, नहीं समझ में आता तो इसी तरह से निकालना, 1 रुपया में सर कितना होगा, 5/100 रुपया हमको ज्यादा देगा, इसलिए हमने बैंक में कितना जमा किया सर, बैंक में कितना जमा किया बाबू, 500 रुपया, तो 500 रुपया के एवज में बाबू, 500 रुपया एवज के 5/100 सर इंटू 500 00 कैंसिल 25 रुपया, अब बात समझो, अब यहीं से कहानी शुरू होता। तो एक साल के अंत में हमको क्या मिलेगा, 500 रुपया मिलेगा प्लस 25 रुपया मिलेगा। एक साल के अंत में हमने बैंक में देखा था, गया तो हमने देखा मेरे पासबुक पे कितना हो गया, 525 रुपया चढ़ गया, खुशी हुआ कि नहीं हुआ, है ना, खुशी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक, 525 रुपया मेरे पासबुक पे चढ़ गया। नेक्स्ट, एक साल खत्म हो गया, अब बात समझो, ठीक है, अब समझो, यहाँ पे एक साल के खत्म हो गया सर, मेरे पासबुक पे चढ़ गया 525 रुपया, हमको खुशी हो गया। अगर मान लो दो गो बैंक है, एक बैंक सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है आपको, और दूसरा बैंक कह रहा है हम कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसको स्टोरी को समझ लो, इतना करा के छोड़ देंगे, इतना समझ गया तो आपको जिंदगी में कभी नहीं दिक्कत होगा,
मान लो आपके पास दो गो बैंक है, एगो SBI मान लो, PNB मान लो, ठीक है, समझ लो। तो एक मान लो ये मेरा PNB बैंक हो गया और एक मेरा मान लो SBI बैंक हो गया, दो बैंक हो गया। अब सिंपल सी कहानी सुनो, एक बैंक कह रहा है कि हम जो भी आपको इंटरेस्ट देंगे सिंपल इंटरेस्ट पे देंगे, दूसरा बैंक कह रहा है, ऐसे बैंक में जनरली जो भी इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है, सिंपल नहीं होता है ना, दूसरा बैंक कह रहा है हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, ठीक। अब समझो, तो जब PNB बैंक में गए बाबू, तो आपने क्या किया, 500 रुपया जमा किया, ठीक है, आई भी बोला कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे पर ईयर, क्या बाबू पर ईयर, यह ध्यान देना, एक साल के अंत में आपको हम 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो जब एक साल खत्म होगा तो 5% बाबू, 500 रुपया का 5% कितना हो जाएगा, 525 रुपया निकाल लेंगे, मतलब एक साल जब खत्म हुआ सैतान, तो मेरे पासबुक पे कितना चढ़ गया, 525 रुपया चढ़ गया, ठीक, दोनों बैंक में, PNB भी और SBI में। नेक्स्ट, अब दूसरे साल गए, हमारा खुशी है ना बाबू, 500 रुपया जमा किया, हमको पासबुक में 25 रुपया बढ़ गया है ना। अब समझो, दूसरे साल बाबू जब PNB बैंक जो हमको क्या दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है ना, तो दूसरे साल बाबू क्या करेगा ये PNB बैंक, फिर क्या करेगा, ये जो 500 रुपया है, ठीक है, 500 रुपया, शांति से सुनना, यही मेन डिफरेंस है, ये समझ गया, आ जाएगा। दूसरे साल क्या करेगा, 500 रुपया पे फिर हमको अगले साल क्या देगा, 5% इंटरेस्ट देगा, दूसरे साल बाबू पर ईयर है ना, पर ईयर नेक्स्ट ईयर के लिए है ना बाबू। मान लो नेक्स्ट ईयर, पहले साल गए सर 25 रुपया हमको ज्यादा मिला, फिर दूसरे साल गए सर तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर दूसरे साल हमको कितना ज्यादा मिल जाएगा सर, पहले 25 रुपया ज्यादा मिला, पहला बाबू यहाँ से अगर कर सकते बाबू, तो मेरे बाद पासबुक पे कितना होगा, 500 प्लस 25 रुपया ज्यादा रहेगा, फिर बाबू 500 रुपया आप प्लस कितना हो जाएगा, 25 रुपया और ज्यादा होगा है ना। तो अब मेरे पासबुक पे ओवरऑल कितना हो जाएगा बाबू, पहले तो 500 बेसिक है ही था, पहले साल को 25 रुपया इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल में 25 रुपया इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल में कितना मिला, 25 रुपया इंटरेस्ट मिला। तो अब मेरे बाबू दो साल के अंत में कितना शो करेगा पासबुक पे, 550 रुपया, 550 रुपया। अंतर समझने की कोशिश करना, अभी अंतर बताएं। तीसरे साल फिर गए सर, पासबुक लेके गए, जाते हैं हम अपडेट करवा लेते हैं, बढ़ा उड़ा कि नहीं। तो मान लो बाबू ये फर्स्ट ईयर हो गया, बात समझो एकदम बेसिक का, ये सेकेंड ईयर हो गया बाबू, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये मान लो बाबू थर्ड ईयर हो गया, फिर बैंक गया तीसरा साल है ना, तीसरा साल गया, तो वही मेरे पासबुक में 500 रुपया था बाबू, 500 रुपया था है ना, 500 रुपया था बाबू, फिर बैंक बाबू हमेशा वही 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, तो फिर बाबू क्या होगा, मेरे 25 रुपया और बढ़ेगा, हर एक साल मेरा क्या बढ़ेगा, 25 रुपया बढ़ते जाएगा है ना। अब बात यहाँ समझो, मतलब क्या सर, PNB जो बैंक हो यदि सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है आपको, तो हर एक साल आपके पासबुक में कितना बढ़ेगा, 25 रुपया बढ़ेगा, पहले साल 25 रुपया बढ़ेगा, अगले साल 25 रुपया बढ़ेगा, और अगले साल 25 रुपया बढ़ेगा, फिर आगे करोगे तो 25 रुपया हर एक साल बढ़ेगा। मतलब क्या सर, यहाँ 25 रुपया हर एक साल क्या सेम है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, अंतर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखो अब देखो, अब कंपाउंड मान लो SBI बैंक है, तो आपके पासबुक पे कितना हो गया, 525 रुपया हो गया, ठीक। आप जो बैंक देगा आप किस पे इंटरेस्ट देगा, आप जो 525 रुपया हो गया ना बाबू, तो अब आपको देगा बैंक जो इंटरेस्ट देगा, 525 रुपया पे 5% देगा, बात समझो, 525 रुपया पे कितना देगा, 5% देगा। फर्स्ट ईयर बाबू सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, और बाबू सेकेंड ईयर से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट डिफर हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं वैसा होगा। आप बाबू बैंक वाला क्या करेगा, आपको आपके पासबुक पे कितना हो गया, 525 रुपया चढ़ गया है ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा, मान लो SBI बैंक है ना, तो 525 पे आप ये जो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, पहले जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रहा था, इसमें सेकेंड साल के लिए 500 रुपया पे दे रहा था, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये SBI बैंक करेगा ना, वो किस पे करेगा, 525 रुपया पे कंपाउंड इंटरेस्ट, 525 रुपया पे इंटरेस्ट देगा। तो अब हमको ये बताओ कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ इंटरेस्ट मिला 25 रुपया सेकेंड साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ऐसे निकालो, 100 रुपया में हमको कितना मिला सर, 5 रुपया मिला, 100 रुपया में रेट 5% का, मतलब क्या 5% में 100 में 5 रुपया, तो 1 रुपया में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5/100 सर। अब हमको 525 रुपया पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमको लिए फायदा है ना बाबू, हमको लिए फायदा है, तो 525 रुपया पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 525 कर दो, 5 से इसको कैलकुलेट करोगे, छोड़ो कैलकुलेट, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 इसको कट करोगे और आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगा, 5 × 10 = 12, 25 और 1 = 26,
डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। मतलब क्या सर, इसको 26 पॉइंट कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। मतलब क्या सर, अब दूसरे साल हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 26 रुपया 26.25, 26 रुपया 25 पैसा इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल हमको 25 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता बाबू, जो सिंपल इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल रहता है और जो इंटरेस्ट मिला है ना, वो आप मनी क्या होता है ऐड होते जाता, ऐड होते जाता। मतलब क्या सर, यहाँ अंतर समझ लो, ठीक है ना, अंतर यहाँ समझ लो। मतलब आप बाबू, आप जो हमको बैंक अमाउंट देगा बाबू, अब कितना देगा, अब हमारे बैंक में कितना जमा हो जाएगा पासबुक पे, वो 525 रुपया ये प्लस 525 रुपया पहले था ये, तो 525 रुपया पहला ईयर में 25 रुपया इंटरेस्ट मिला और दूसरे ईयर में हमको 26 रुपया इंटरेस्ट मिला। कितना मिला, 26 रुपया मिला, है ना। तो ये जीरो हो गया, इसको ऐड करो, 6 5 11 और 2 2 4 1 5 और ये हो गया 551 रुपया, है ना बाबू, ठीक है। तो दूसरा साल के अंत में बाबू मेरे पासबुक पे कितना हो जाएगा, 551 रुपया हो जाएगा। बात समझो, बात समझो, समझो। देखो उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली क्या रहता है, हर एक ईयर आपको इंटरेस्ट सेम मिलेगा, जो बेसिक प्रिंसिपल है उसी पे मिलेगा, उसी पे मिलेगा, है ना, 500 रुपये पे मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल है, जो इंटरेस्ट मिला, तो मान लो 500 रुपया प्रिंसिपल है, 5% इंटरेस्ट मिला, 500 का 25 रुपया हो गया, तो 525 रुपया। अगले साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, अगले साल ये जो 525 रुपया आया तो इस पे अब इंटरेस्ट मिलेगा। अगले साल क्या होगा, 525 रुपया पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपके लिए फायदा हो गया ना। तो अगले साल हम देखें 525 रुपया का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया सर, 551 रुपया हो गया था। तो यहाँ हमको ज्यादा मिला ना बाबू, 51 रुपया। यहाँ दो साल के लिए 85 रुपया मिला था, 25 प्लस 25 50 मिला, यहाँ 25 प्लस पर कितना, 51 हो गया, 51 रुपया मिल रहा। यहाँ दो साल के अंत में हमको कितना मिला, 51 रुपया ज्यादा मिल रहा। फिर थर्ड ईयर क्या करेगा, तो जो ये बैंक बाबू थर्ड ईयर किस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, ये 551 रुपया पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, 551 रुपया पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% देगा, है ना। तो पुनः 551 रुपया कर निकालो, निकालो तो जल्दी से सिवाने, क्या कर रहे हो, 551 रुपया में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, जल्दी निकालिए, निकालो सौम्या, 551 का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। सतीश चल गया, सहिता शिवम बाबू जल्दी करो, ओम शर्मा जल्दी करो, अभिनय प्रकाश जल्दी करो, कौन कौन नहीं आया, मोहित बाबू जल्दी कैलकुलेट करो, 551 रुपया में 5% बाबू, शिवानी एक सात एक आठ हो गया, 578.55। बात समझो, अब सुनो कहानी, ठीक है ना। देखो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में यही डिफरेंस होता है, सिंपल इंटरेस्ट में बाबू जो प्रिंसिपल है, हर एक साल प्रिंसिपल क्या रहता है, सेम होता है, प्रिंसिपल सेम होता है और प्रिंसिपल पे ही आपको इंटरेस्ट मिलता है, ओवरऑल व्यू ये है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल है, जो इंटरेस्ट है वो एड हो जाता है, और ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर में बाबू जो टोटल मनी है, टोटल मनी है, अब उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, अब उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपया पे, हर एक साल 500 रुपया पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो बाबू सिंपल इंटरेस्ट में क्या रहेगा, आपको ये सेम रहता है, ये सेम रहता है, इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में बाबू अमाउंट ऐड होता जाता है, 525 रुपया फर्स्ट ईयर 500 रुपये मिला रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना बाबू, 5 रुपये तो 25 हो गया, 525 रुपये हो गया। अब सेकेंड ईयर क्या होगा, 525 रुपया पे इंटरेस्ट मिलेगा, आपको बैंक में जमा किए, तो सेकेंड ईयर जब गया बाबू तो पासबुक पे कितना यहाँ शो किया, 551 रुपया शो किया इस बैंक में, सिंपल इंटरेस्ट वाला बाबू आपको कितना शो करेगा पासबुक पे, 585 रुपया शो करेगा। तो इसी तो यहाँ मेरे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या होता है, उसमें हमको ज्यादा पैसा होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट पे बाबू, आपको क्या होता है अमाउंट ज्यादा होता है, अमाउंट क्या होता है ज्यादा होता है ना, ज्यादा होता है, ठीक है। फिर बाबू थर्ड ईयर जाओगे, तो थर्ड ईयर जाओगे तो अभी किस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, इस 551 रुपया पे कैलकुलेट करेगा। तो 551 रुपया 5% कितना हो जाएगा, 578 रुपया हो जाएगा, है ना बाबू, 578 कर लोगे टोटल मनी, है ना, ठीक है सर। अब बाबू नेक्स्ट जब जाओगे, मान लो फोर्थ ईयर जाओगे, तो ये 578 पे बाबू 578.55 पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको देगा, 578 रुपया पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक में जनरली बाबू यही यही फॉलो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही फॉलो होता है बैंक में ना। हम लोग जो कर्जा उर्जा लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं, अब बैंक वाला जो भी इंटरेस्ट देता है वो सब कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है ना। कि आपके पासबुक में देखते हो पैसा जमा होते जाता है ना, मान लो पहला साल 1,00,000 रुपया हो गया, 5,000 रुपया इंटरेस्ट हो गया तो 1,05,000 रुपया हो गया। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 1,05,000 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, तो मान लो 1,10,000 रुपया हो गया है ना। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 1,10,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से मनी क्या होते हैं, ऐड होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। यही बेसिक डिफरेंस था बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। समझे संजना? यस सर। हाँ बाबू। जानवी शर्मा क्या कर रही हो, व्हाट्सएप चला रही हो? ठीक हो तो नेक्स्ट हम क्या करें। जानवी शर्मा इसे तनाज आया नहीं है जानवी, तो ये सिंपल सेंटेंस yes, से क्या कर रही थी? हाँ आते हैं ना तो भी आपको पिटते हैं, तो ये बेसिक क्या था? फेसबुक चला रही होगी। हाँ बाबू यही कर वे करती है सर, वही जानता है सर कि क्या चला रहे हैं क्या नहीं, जो बीच में बोल रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये करो ना, चलाओ ही नहीं ना, सीधा सी बात है, वीडियो ऑन रखो, सारे का वीडियो ऑन। नो सर नहीं चला रहे हैं सर, लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे बाबू, वीडियो बंद करके? सही था सर, जो आप प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट लिखवाए थे ना सर, उसी का स्क्रीनशॉट लेके लिख रहे थे। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट। अब बाबू नेक्स्ट एक लाइन यहाँ पे हम लोग अमाउंट पे एंड किया, अमाउंट का नेक्स्ट बाबू लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट बराबर क्या लिखेंगे, अमाउंट जो होगा बाबू इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अमाउंट बाबू हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, ए से, तो कितना होगा सर, प्रिंसिपल प्लस बाबू प्लस कितना हो जाएगा सर, इंटरेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा। तो ए बराबर कितना लिखेंगे सर, पी प्लस आई लिख देंगे। ठीक बाबू नेक्स्ट एक टर्म आता बाबू सिंपल इंटरेस्ट को डिफाइन कर लेता है ना सर। इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में मतलब फर्क होता है सर? नहीं बाबू, इंटरेस्ट और सिंपल जनरली उसी को इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यही वो इसमें क्या होता है, वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है ना। तो वो सर अब मुझे लगा ना सर आप इंटरेस्ट डिफाइन कर ही दिए, तो फिर से देखो इंटरेस्ट और इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा है ना, उसको भी थोड़ा सा बता ही देंगे अगले डिफाइन कर। लिखो इफ दी सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या चीज, आप हम इसलिए अंतर लिखा रहे बाबू है ना, वो तो इंटरेस्ट था, और सिंपल इंटरेस्ट में जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है, इफ द प्रिंसिपल, इफ द बाबू प्रिंसिपल रिमेन सेम। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, सेम होता है। वहां पे हमने इंटरेस्ट को डिफाइन किया है ना बाबू, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट को डिफाइन करें, इसमें प्रिंसिपल मेरा क्या होगा, सेम होगा, सेम बाबू फॉर द सेम फॉर द इंटायर इंटायर लोन पीरियड, जितना दिन के लिए बाबू आप कर्जा लिए पीरियड बाबू, और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इरिस्पेक्टिव इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ पीरियड, फॉर विच It is borrowed, for which babu? It is borrowed. Then the interest is called, ठीक है, is called, जो interest मिला उसको हम लोग क्या कहेंगे, simple interest कहेंगे। देखो interest और simple interest basic difference ये है, compound interest में भी interest मिलता है और बाबू सिंपल इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट मिलता है, तो दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस ये होता है बाबू, यहाँ पे बाबू क्या रहता है, प्रिंसिपल हर एक साल क्या रहता है, सेम रहेगा, प्रिंसिपल हर एक साल सेम रहेगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बदलते जाएगा
What about the other one? Interest is called oh, simple interest. It is represented by SI. It is represented by babu SI. सतीश भागा शिवांगी का तबियत खराब रेट ऑफ इंटरेस्ट रह जाए कल हम लोग थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट को खाली डिफाइन कर लेंगे प्रिंसिपल इंटरेस्ट है ऐसी नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट को डिफाइन कर लेंगे है ना इसमें फॉर्मूला लिख लो तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला बनेगा बाबू लिख लेते फॉर्मूला जो बचपन सर एक दो क्वेश्चन दे दीजिए ना बनाने देंगे देंगे बाबू अभी इसमें थोड़ा सा और बताना पड़ेगा ठीक है ना सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला बनेगा वो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होगा इसको याद रखना बस एक क्या फॉर्मूला कुछ नहीं याद करने की जरूरत है सर और आर परसेंट और टाइम निकालने पी निकालने के लिए नहीं सर सर पी इक्वल टू एस इंटू 100 बाय आर टी ना उतना नहीं हमको करना ठीक है ना हमको इतना ही याद करना बाबू बाकी इसी से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे है ना हियर बाबू हियर जहां मेरा पी क्या बाबू प्रिंसिपल है आर मेरा क्या बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट है बताएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ठीक रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ठीक है पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे सर हर एक साल जो लगेगा हर एक साल है यह ध्यान देना हर एक साल है टी है बाबू टाइम ड्यूरेशन है टी मेरा क्या है टाइम पीरियड हो गया या टाइम ड्यूरेशन हो गया हम लोग दो दो मेथड से पढ़ेंगे बाबू है ना अधिकतर क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट भी करेंगे कि देखो आंसर ला और एक स्कूल वाला मेथड है ना बाबू स्कूल का मेथड आंसर लाने वाला मेथड दोनों करेंगे हम लोग कल थोड़ा सा इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को डिफाइन कर देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा समझा देंगे उसका कंसेप्ट बता देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझ जाओगे तो आपको आसान हो जाएगा फिर ये चैप्टर आपका बाबू खाली क्वेश्चन चल जाएगा बस ये बेसिक क्लास का लेक्चर रहता है और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें बाकी फिर जितना भी टाइप का पॉसिबल क्वेश्चन मैथ में थ्योरी बहुत कम रहता है बाबू क्वेश्चन ही ज्यादा रहता है समझ में आया नारायण 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 नहीं बोलेगा